दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो या कभी खुशी कभी गम, दिलवाले हो या कुछ कुछ होता है, शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी हर फिल्म में हिट रही। उन्होंने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और 90 के दशक के टॉप स्क्रीन कपल्स रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब किंग खान पहली बार काजोल से मिले थे, तभी उन्होंने एक्ट्रेस के साथ दोबारा कभी काम न करने का फैसला कर लिया था। दरअसल काजोल और शाहरुख खान की पहली मुलाकात 1993 की फिल्म बाजीगर के सेट पर हुई थी। इस फिल्म को अब्बास मस्तान की जोड़ी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की शूटिंग के पहले दिन काजोल और शाहरुख खान पहली बार मिले। शाहरुख ने इस दौरान एक किस्सा सुनाया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो काजोल से परेशान हो गए थे। कपिल शर्मा के शो में शाहरुख ने बताया कि बाजीगर की शूटिंग जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में हुई थी। 1 जनवरी को शूटिंग का पहला दिन था और किंग खान का एक रूल है कि वो 1 तारीख को काम जरूर करते हैं। उन्होंने शो में कहा था, मैं पहली बार काजोल से बाजीगर के सेट पर मिला था और ये कहानी बहुत कम लोगों को मालूम है, 31 दिसंबर को हुई थी। 1 तारीख को हम सब परेशान थे क्योंकि सुबह सुबह शूटिंग करनी थी। मेरा एक रूल है कि मैं 1 तारीख को काम करना जरूर पसंद करता हूँ, चाहे काम करने लायक हो या ना हो। शाहरुख खान आगे कहते हैं कि हम सब बहुत परेशान थे, हमारे कैमरामैन ने ज्यादा शराब पी ली थी तो वो रात में अरेस्ट हो गए थे, वो सेट पर पहुंचे नहीं थे और अब्बास भाई मस्तान भाई भी चुपचाप से बैठे थे, वो तो जैसे भी खामोश रहते हैं। सब लोग शांति में थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था और काजोल आई और इतनी बातें उन्होंने की। किंग खान कहते हैं, मुझे याद है हमारे मेकअप आर्टिस्ट थे रवि दादा, उन्होंने जाकर काजोल से कहा कि तुम्हारा हीरो बड़ा चुप रहता है, बात ही नहीं करता क्या? मैं सच कह रहा हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ रोजी रोटी की, मैंने कहा कि मैं इसके साथ अब कभी काम नहीं करूँगा। फिलहाल आप इस किस्से के बारे में क्या कहेंगे, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।